अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हमने सोचा है जंगली कबूतरों की अंडी की कैंडलिंग करते हैं। तो रोजाना की रूटीन शुरू करते हैं, पहले मुर्गी को खाना देते हैं, फिर चलते हैं कैंडलिंग करते हैं, फिर आखिर मुर्गा मुर्गी को खोलना। दोस्तों, इस मुर्गी की बहुत गंदी आदत है दोस्तों, ये टीन में चढ़ जाती बार बार। राफी से भी खोल दो। आओ आओ। देखिए दोस्तों, ये लोग भाप हो जाए, कबूतर वो दाना खा रही होगी। तो दोस्तों, मैं मुर्गी लोगों का खाना मिलाता हूँ, खाना नहीं मतलब चोकर मिलाता हूँ दोस्तों, और आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने सबको खाना दे दिया। ये देखिए दोस्तों, ये सिंधी मुर्गी भी है। तो दोस्तों, सिंधी मुर्गी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई दोस्तों, बस आप लोग दुआ करिए सिंधी मुर्गी भी ठीक हो जाए। ये खाना नहीं खा पा रही और पानी भी नहीं पी रही दोस्तों। तो दोस्तों, अभी कबूतरों को खाना देते हैं और उसके बाद जाएंगे और जंगली कबूतर अंडे की कैंडलिंग करेंगे। दोस्तों, मैंने सारे कबूतरों को खोल दिया। अब राफी से दाना डाल दो। दोस्तों, राफी से दाना डाल लें। तो दोस्तों, जंगली कबूतर को देखिए दोस्तों, ये इसे पकड़ के निकालना पड़ता है दोस्तों, खुद नहीं निकलते। ये देखिए दोस्तों, नेस्टिंग कर रहे हैं, ये अपने ऐसे घोंसले में चिपके रहते हैं, इसको निकालना पड़ता है दोस्तों। तो राफी से निकाल देना, दोस्तों राफी से निकाल ले। नमूने बंद करोगे ना। तो दोस्तों, राफी ने जंगली कबूतर को भी निकाल लिया दोस्तों, मेरा जंगली कबूतर दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं अंदर जाता हूँ और ये दो जो छोटे छोटे बच्चे इसे भी निकाल देता हूँ। राहुल, तुम कैमरा पकड़ना। तो दोस्तों, आसान अंदर जा रहे और ये इन बच्चों को निकालेगा अभी। दोस्तों कैसे कर रहा है। तो दोस्तों, लग रहा है इनको भूख लगी हुई है, आसान के हाथ को लग रहा है कबूतर समझ रहे और फीड मांग रहे। देखिए दोस्तों, मैंने इसे बाहर निकाल दिया। दोस्तों, मैं इसे रोज रोज बाहर निकाल देता हूँ और इसे बाहर छोड़ देता हूँ, इसे धूप भूख लगे दोस्तों, ये एक्टिव हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों एक दूसरे से फीड मांग रहे। दोस्तों, बच्चे खाना खाना सीखे, बच्चे खाने के बाद छोड़ते हैं और खाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम लोग बंद करके जाएंगे और जंगली कबूतर के अंडे की कैंडलिंग करेंगे। दोस्तों ये देखिए, यार बच्चों को मार के फीड मांग रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, हर किसी से फीड मांग रहे हैं दोस्तों। ये लोग देखिए दोस्तों, एक बच्चे दूसरे बच्चे से फीड मांग रहा दोस्तों। ये देखिए अभी इसके, तो दोस्तों अभी देखिएगा ये कबूतर अपने बच्चों को फीड करा रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये वाली इसकी माँ जो दोस्तों, ये बच्चों को फीड बहुत कम कराती है दोस्तों,
सिर्फ यही वाला नारी से फिट करा रहे थे। तो दोस्तों ये लोग सब खाना खा चुके हैं, तो आसान अब भगाओ, इनको बंद करने की बारी है। तो दोस्तों नर एंड टाइम पानी पी रहे ताकि अपने बच्चे को जाके फीड कराएगा ये। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है ये पट्टा सबसे देर से ही जाता है। दोस्तों ये देखिए मादी अपनी जा चुकी है, अपने बच्चों को फिट कराएगी वो। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं और जंगली कबूतर की कैंडलिंग करते हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये जंगली कबूतर बैठा हुआ है, अपने अंडे को सेक रहा है। तो क्या बोल, लहसुन कैंडलिंग करेगी? नहीं, बैठा हुआ है ये, कर ले थोड़ा। तो चलिए दोस्तों ये जा चुका है, अब कैंडलिंग करते हैं इसके अंडे की। कहाँ गया ये? दोस्तों चलते हैं ऊपर और देखते हैं कैंडलिंग करके के अंडे में बच्चे बन रहे हैं कि नहीं। तो सन टॉर्च दिखाओ। तो दोस्तों ये देखिए दो अंडे, तो अभी कैंडलिंग करके देखते हैं कि इसमें अच्छा। तो यहाँ पर चार्जर रखते हैं और कैंडलिंग करके देखते हैं अंडे की। तो दोस्तों माशाल्लाह से इस अंडे में बच्चा बनना शुरू हो गया। तो दूसरा अंडा देखते हैं उसमें बच्चा बनता है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें भी बच्चा बन रहा है, हमारे लिए एक गुड न्यूज़ हो गई कि दोनों में बच्चा बन रहा है, अब जंगली कबूतर के बच्चे उठेंगे। तो दोस्तों हमें इनके अंडे का नहीं पता है, ये जंगली कबूतर को अंडे दिए हुए कितने दिन हो गए। तो दोस्तों बस आप लोग दुआ करेंगे इसमें जल्द से जल्द बच्चे उड़ जाए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल में लेते हैं मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ। कल एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।